हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अनलॉक जीएस अकेडमी चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 19 सेशन जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चन को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं जिसका हम आपको वैल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे साथ ही साथ इसके हैंड हैंडराइटर नोट्स की पी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी इस सेशन में हम चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा जीएस पेपर वन के भारतीय समाज खंड से दो क्वेश्चन हम जीएस पेपर टू के डिस्कस करेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा भारतीय राजव्यवस्था से और एक क्वेश्चन रहेगा भारतीय शासन खंड से एक क्वेश्चन हम जीएस पेपर फोर का डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन ये क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री है प्रीवियस सेवेंटी टू क्वेश्चन हम प्रीवियस एटीन सेशन में कवर करा चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये क्वेश्चन जो है जीएस पेपर वन के भारतीय समाज खंड से है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि विभिन्न उपायों के बावजूद भारत में हाथ से मेला ढोने की प्रथा अभी भी क्यों जारी है तो इस क्वेश्चन में आपको हाथ से मेला ढोने की प्रथा यानी कि मैनुअल स्केवेंजर्स मैन� के बारे में बात करना है इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी सबसे हल, पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे और निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे अगर हम बात करें इसके परिचय की इसके इंट्रोडक्शन की तो यू की परिभाषा जो कि हाथ से मैला ढोने के लिए यू ने जो परिभाषा दी है उससे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें उसने कहा है कि हाथ से मैला ढोने का तात्पर्य सीवरों और सूखे शौचालयों से मानव के मल की सफाई और उसके निष्कासन या निपटान की प्रथा से है अगर हम बात करें भारत की तो इस भारत ने कई कानून बनाकर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया है और जो कि हमारे जो आर्टिकल 21 जो कि गरिमा में जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है वह इस तरीके की जो प्रथाएं हैं वह उसका उल्लंघन करते हैं अगर हम बात करें इसके उन्मूलन के उपाय भारत में किस तरीके के किए गए हैं तो भारत ने सबसे पहला उपाय किया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाकर जिसमें अस्पृश्यता का जो के आधार पर जिसमें आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो कि हमारा एक मूल अधिकार है जिसमें अस्पृश्यता के जो उन्मूलन की बात की गई है तो उसमें अस्पृश्यता के आधार पर मैला ढोने या झाड़ू लगाने की जो प्रथा को समाप्त करने की बात की गई है और 1977 में इसमें संशोधन कर कर इसका कठोर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया इसके अलावा एक और एक्ट है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचारन निवारण अधिनियम नाइनटीन इसके अंतर्गत जो सफाई कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक रक्षक बनाया गया है क्योंकि अगर हम देखें तो 90% परसेंट से ज़्यादा जो सफाई कर्मचारी हैं वे अनुसूचित जाति से आते हैं तो ये एक्ट भी उनके अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास करता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो सफाई कर्मचारी नियोजन और जो शुष्क शौचालय संधिनियम अधिनियम 1993 है जिसके अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाले लोगों को नियुक्त करने वालों के खिलाफ जो भी नियोक्ता होते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है साथ ही साथ वर्ष 1994 में एक सांविधिक निकाय जिसका नाम है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का निर्माण किया गया जो कि अभी मौजूदा कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं जो सफाई कर्मचारियों के लिए उनका मूल्यांकन सुनिश्चित करता है और इनसे संबंधित अगर कोई शिकायत आती है तो उसके लिए जाँच के लिए ये प्रयास करता है अगर हम बात करें सबसे जो रिसेंट एक्ट है वह है हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 जिसके अंतर्गत जो इस प्रथा में लगे हुए लोगों को का प्रतिषेध करती है साथ ही साथ उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने का इस एक्ट के द्वारा प्रयास किया जाता है इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 2014 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया और जिसके अंतर्गत सरकार को जो हाथ से उन्होंने कहा कि जो सरकार है उसको हाथ से मेला ढोने वालों पर रोक लगाने और इसमें शामिल लोगों के पुनर्वास के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है अगर हम बात करें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत में लगभग अट्ठावन से ज़्यादा लोग इस कार्य में हाथ से मेला ढोने की जो कार्य है उसमें संलग्न है इसके अंतर्गत ये हमने चर्चा की कि क्या क्या उन्मूलन के उपाय किए गए लेकिन फिर भी ये प्रथा अभी भी जारी है तो उसके कारण अगर हम जाने कि भारत में इन उपायों के बावजूद भी ये प्रथा जारी है तो इसका कारण यह है कि अस्वच्छ शौचालयों की निरंतर उपस्थिति अगर हम बात करें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तो लगभग 2.6 मिलियन अस्वच्छ शौचालय थे जिनको हम शुष्क शौचालय के रूप में भी जानते हैं हालांकि अभी स्वच्छ भारत जो अभियान चला था उ, चल रहा है तो उसके अंतर्गत शौचालय के निर्माण में काफ़ी वृद्धि हुई थी लेकिन जो अभी इन, इसमें जो आंकड़ा है वह दो का आंकड़ा है इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि तकनीकी पिछड़ापन जो सेफ्टिक टैंक होते हैं उसमें जो अभियांत्रिकी दोष के कारण मशीनें उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाती जहां पर सफाई करने की आवश्यकता होती है तो इस कारण से जरूरत पड़ती है कि मानव के द्वारा उसकी सफाई की जाए इसके अलावा सोशल जो धारणा है सामाजिक जो धारणा है वह भी इसके पीछे एक कारण है इसे अभी भी जाति आधारित एवं वंशानुगत पेशे के रूप में जाना जाता है निचली जाति से जुड़ा एक सांस्कृतिक व्यवसाय के रूप में जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा है उसको माना जाता है इसके अलावा इसके से संबंधित जो उनकी जो पिछली पीढ़ी है वह इसी कार्य में संलग्न होने के कारण और उनके पास जो अगली जो पीढ़ी है उनके पास शिक्षा अवसर व कौशल का अभाव होने के कारण उन्हें बाध्यकारी रूप से इस कार्य को करने के लिए बाध्य होना पड़ता है इसके अलावा जो विधिक जो सुरक्षा है उसकी भी कमियां देखने को मिली है जो कि हाथ से मैलट होने वाले जो कर्मियों के नियोजन और उसके प्रतिषेध एवं पुनर्वास जो अधिनियम रिसेंट का भी 2013 का है उसके अंतर्गत सुरक्षात्मक जो उपकरण हैं और जो अन्य सफाई उपकरण के बिना जोखिमपूर्ण सफाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत ये परिभाषित नहीं किया गया है कि सुरक्षात्मक उपकरण क्या होंगे जिसके कारण अथॉरिटी के द्वारा इनको इस तरीके से सफाई कर्मचारियों को इस तरीके के सुरक्षात्मक उपकरण पकड़ा दिए जाते हैं जिनका होना या ना होना एक ही बराबर होता है साथ ही साथ अगर हम बात करें उन लोगों का पुनर्वास का प्रावधान इसके अंतर्गत एक्ट के अंतर्गत नहीं किया गया है जो 2013 के कानून से पहले हाथ से मेला ढोने से मुक्त हुए थे तो इस एक्ट के अंतर्गत जो 2013 के बाद उनको पुनर्वासित करने का प्रावधान किया गया है जो दो के बाद हाथ से मेला ढोने की प्रथा से मुक्त हुए हैं इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो विनामिक ढांचे हैं उसकी कमी देखने को मिलती है सैनिटेशन जो चैन है उसके साथ अनेक गतिविधियों को विनियमित बिने, करने में कमी देखी जाती है साथ ही साथ उदासीन अभिवृत्ति भी देखने देखी जाती है राज्य सरकारों की उससे उसके प्रति जो एटीट्यूड है उनका उदासीन देखने को मिलता है बहुत से स्वच्छ सर्वेक्षणों में यह पाया गया कि राज्य सरकारें ये स्वीकार करने के लिए निरंतर इनकार करती रहीं कि उनकी नज़र में उनके राज्य में कोई हाथ से मैलट होने की प्रथा अभी भी प्रचलित है अब जब वो प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे तो ये सोचने का विषय है इसके अलावा हम बात करें तो सफाई कर्मचारियों के लिए जो सुरक्षात्मक उपकरण हैं उनकी जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी देखने को मिलता है तो ये हमने इसके कारण को डिस्कस किया उपाय होने के बारे के बाद भी कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण से ये प्रथा भी लगातार चल रही है अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की तो गरिमा में जीवन जो सुनिश्चित करने के लिए जो आर्टिकल ट्वेंटी सुनिश्चित करता है उसके अंतर्गत हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना उसको मुख्य प्राथमिकताओं में रखना जरूरी है साथ ही साथ सरकार को जो मानक संचालन जो प्रक्रिया हैं उनको अपनाना चाहिए जो सीवरेज की सफाई से संबंधित और साथ ही साथ जो सीवरेज कार्य के क्रमिक औपचारिकरण एवं मशीनीकरण को सक्षम बनाने के लिए उसमें इंस्टीट्यूशनल सुधार यानी कि संस्थागत सुधार उसके अंतर्गत लाने चाहिए साथ ही साथ इससे संबंधित कोई जो ज्ञान है उसके अंतरालों को पाटने की व्यवस्था की जानी चाहिए विभिन्न संगठनों एवं संघों के माध्यम से जो भी आपके एन हैं उससे सबके संबंध के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रमों को सुदृढ़ कर स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सशक्तिकरण करने का प्रयास किया जाना चाहिए तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर वन के भारतीय समाज खंड से चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जीएस पेपर टू के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि समनु संगीता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सब्डिडिएट्री से आप क्या समझते हैं भारत के संदर्भ में इसके महत्व की विवेचना कीजिए तो आपको इसके अंतर्गत समनु संगीता के सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं कि यह सिद्धांत क्या है इसका सामान्य जो लक्ष्य होता है अगर हम इसकी बात करें समनू संगीता के सिद्धांत की प्रिंसिपल ऑफ सब्जी सब्सिडेटरी की तो इनका जो सामान्य लक्ष्य होता है उच्च प्राधिकार के संबंध में निम्न प्राधिकार अथवा अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर तो केंद्र सरकार के संबंध में एक स्थानीय प्राधिकरण के लिए पर्याप्त तो स्वतंत्रता सुनिश्चित करना इस सिद्धांत के अंतर्गत कई स्तरों पर शक्तियों का साझाकरण है ये सिद्धांत की एक संघीय व्यवस्था का एक आधार स्तंभ तय करता है ये सुनिश्चित करता है कि जो भी निर्णय लिए जाए वे नागरिकों के नज़दीकी स्तर पर हों जिससे उनकी निरंतर जाँच की जा सके इसके अंतर्गत होता क्या है कि जैसे सेंट्रल लेवल पर कोई पॉलिसी हमको डिफाइन करनी है तो उसका निर्धारण यहाँ के जो सजेशन होंगे यहाँ के जो स्थानीय प्राधिकरण हैं उनकी सजेशंस के आधार पर इन नीतियों का निर्धारण किया जाएगा और उनका समय समय पर उस नीति से संबंधित फीडबैक भी इन स्थानीय प्राधिकरणों के माध्यम से एक सेंट्रल अथॉरिटी को दिए जाएंगे तो इस तरीके के जो सिद्धांत को कहा जाता है समनु संहिता का सिद्धांत अगर हम बात करें भारत के जैसे विशाल देश में जिसका भौगोलिक विस्तार काफ़ी अधिक है साथ ही साथ यहाँ पर सामुदायिक विविधता अधिक है तो इस कारण से इस सिद्धांत की प्रासंगिकता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है अगर हम बात करें भारत के लिए इस सिद्धांत के महत्व के बारे में तो इसके अंतर्गत एक बृहत्तर लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है ये जो सिद्धांत है लोकतांत्रिक प्रणालियों को पूर्ण वैधता प्रदान करने में मदद करता है अगर हम बात करें स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्थानीय समुदाय हैं वे उनके कार्यक्रमों को निश्चित कर सकते हैं और उसके जो उनसे संबंधित जो कार्यक्रम हैं उस पर स्वामित्व को वे प्रोत्साहित कर सकते हैं तो इससे एक लोगों की उसके अंतर्गत नीति निर्माण में काफ़ी भागीदारी होती है इसके अलावा अगर हम बात करें इससे बेहतर सेवा वितरण भी हम सुनिश्चित कर पाते हैं जो निर्णय लेने के जो अधिकार हैं वे नीचे से ऊपर आते हैं तो इससे क्या होता है कि उनकी जो लेन देन की लागत है वह रिड्यूस हो जाती है और सेवा वितरण में जो लगने वाला समय है वह भी इसके अंतर्गत रिड्यूस हो पाती है तो जिसके कारण से बेहतर सेवा का वितरण सुनिश्चित हो पाता है अगर हम बात करें संघीय संबंधों को नया स्वरूप देने की एक तरीके का सिद्धांत है ये केंद्र एवं जो राज्यों के संबंध तथा राज्य एवं जो स्थानीय निकायों के बीच संबंधों को ऐसे तरीके से नया स्वरूप देने में उपयोगी है जिससे वे सशक्तिकरण हासिल कर सकें जो समाज के लिए जो योजनाएं हैं उसका निर्धारण करके समाज का सशक्तिकरण सुनिश्चित कर सके इससे सर्वाधिक उपयुक्त स्तर पर स्वीकृति व विनियमों का प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है तो इसके अंतर्गत सेंट्रल के लेवल पर स्टेट के लेवल पर और जो हमारा जो स्थानीय प्राधिकरण जो हमारा स्थानीय निकाय है तो उनके जो बीच के जो संबंध हैं, उनको एक ये नया स्वरूप प्रदान करता है अगर हम बात करें सामुदायिक सशक्तिकरण इससे सुनिश्चित होता है जो स्थानीय मुद्दे हैं जैसे कि पानी का मुद्दा है स्वच्छता संबंधित कुछ मुद्दे हैं, तो उस पर उचित नियंत्रण के लिए ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं को उसमें सशक्त किया जाता है इससे समस्याओं के निकट समाधान ही उनको उपलब्ध करा दिया जाता है इसका अगर हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखें तो मॉडल बिल फॉर द कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर जो अधिनियम था एक मॉडल बिल था 2011 का इस सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया गया जिसके अंतर्गत किया ये प्रावधान ये क्या, क्या किया गया था कि गांव पूरी तरीके से एक जलभ्रत यानी कि एक्फर का निर्माण करेंगे और इन पर जो नियंत्रण होगा वहाँ की ग्राम पंचायतों का होगा जिससे उस गाँव में एक पानी की जो समस्या है उस जल की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है इसके अलावा भारत जैसे देश में इसका और महत्व है जैसे कि हम बात करें बेहतर परिवेक्षण निगरानी और उसकी पर्यवेक्षण भी किया जा सकता है और उसकी निगरानी भी की जा सकती है अगर हम बात करें कुछ मुद्दों का समाधान दूर रहकर नहीं किया जा सकता जैसे अगर हम बात करनी है कि हमारे जो गांव के अंतर्गत जो कमजोर परिवार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा देनी है या गांव में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी है तो ये एक छोटे लेवल पर जो स्थिति है वह अगर हम बड़े लेवल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसका समाधान काफ़ी मुश्किल हो जाता है तो उसको स्थानीय स्तर पर ही उनको सॉल्व किया जा सकता है जिससे इन जो सुधार जो किए जा रहे हैं उसकी कड़ी निगरानी की जा सकती है और उसका नियमित फीडबैक भी त्वरित रूप से प्राप्त किया जा सकता है अगर हम बात करें तो सामाजिक जवाबदेही भी इसके अंतर्गत सुनिश्चित की जाती है अगर हम बात करें कि सेंट्रल लेवल से कोई योजना इस लोकल बॉडी के स्तर पर चल रही है गांव के स्तर पर चल रही है तो अधिकांश जो योजनाएं हैं और जो कार्यक्रमों को उस स्तर पर सर्वोत्तम रूप से आंका जा सकता है उस लोकल स्तर पर उसके ग्राम के स्तर पर अगर हम बात करें मनरेगा जैसी स्कीम की जिसके अंतर्गत सोशल ऑडिट प्रोग्राम चलता है जिसमें ग्राम पंचायतों के द्वारा उसका सोशल ऑडिट किया जाता है सोशल ऑडिट का मतलब यह होता है कि समाज के लोगों के माध्यम से ही उस योजना का फीडबैक लिया जाता है और समाज के स्तर पर ही उस योजना के क्रियान्वयन के बारे में सुनिश्चित किया जाता है ऑडिट किया जाता है कि वह योजना किस तरीके से चल रही है या उसने किस लोगों को फायदा पहुंचाया है इसके अंतर्गत हमने बात की भारत में इस तरीके के जो समानुसंगिता का जो सिद्धांत है उसकी प्रासंगिकता के बारे में अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष के रूप में तो हम सेकेंड ए की रिपोर्ट के माध्यम से इसका निष्कर्ष दे सकते हैं हमें समनु संगीता के सिद्धांत के आधार पर शासन को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है सेकेंड ए ने यह बात कही थी हालांकि कई बार अनेक मामलों में उच्च स्तर पर ले जाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर हम बात करें कि इससे काफ़ी प्रभावी परिणाम देखने को मिलते हैं जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि जो स्वास्थ्य वैसे है स्टेट का विषय तो इसके अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित अगर हम पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की बात करें तो सेंट्रल लेवल पर जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इसके एक बेहतर रिजल्ट हम हमको देखने को मिले इसके अलावा जो विभिन्न समस्याओं से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो वो सेंट्रल लेवल पर उनको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है तो इसलिए भी ये जरूरी है कि कुछ योजनाओं को सेंट्रल लेवल पर भी निर्माण किया जाए और यदि उनको उच्च स्तर पर ही उनका निर्माण किया जाएगा तो वह बेहतर प्रभावी परिणाम सुनिश्चित कर पाएगा तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर टू के भारतीय राजव्यवस्था खंड से चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जीएस पेपर थ्री टू के आपके गवर्नेंस खंड से है जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है यानी कि स्वयं सहायता समूह है स्वरोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सामाजिक लामबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है इसकी आपको विवेचना करनी है तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो आपके रूरल डेवलपमेंट में क्या योगदान देते हैं इसके बारे में आपको चर्चा इसके अंतर्गत करनी है तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे जिसमें से हम जो स्वयं सहायता समूह है उसकी परिभाषा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं समान हितों वाले लोगों के स्वैच्छिक संघ होते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा ये वॉलेंट्री संघ होते हैं इनका गठन सामूहिक सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ ये किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये संबद्धता इनकी नहीं होती ये लोकतांत्रिक रूप से काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कई समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं जिसमें निर्धनता निरक्षरता कौशल की कमी औपचारिक ऋण की कमी ये आदि कई समस्याएँ ग्रामीण स्तर पर हैं जिस पर व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई व्यक्ति प्रयास करना चाहे तो वह उसमें अक्षम हो जाएगा इसके लिए ज़रूरत होती है कि सामूहिक प्रयास किए जाएं उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी सहायता कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण विकास में किस तरीके की भूमिका निभाते हैं तो इसमें हम तीन इस, इस इस, पे देख सकते हैं सबसे पहले स्वरोजगार की भूमिका में साथ ही साथ प्रशिक्षण में भूमिका और सामाजिक लामबंदी में भूमिका में तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वरोजगार में भूमिका की तो स्वरोजगार में उद्यमों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसके अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ऋण सहायता उत्पाद विकास या उनकी मार्केटिंग करना है उनका विपणन आदि के माध्यम से जो निर्धन लोगों के बीच उद्यमशीलता को इंक्रीस करते हैं जिससे उस गांव में बेरोजगारी कम होती है और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि होती है साथ ही साथ अगर हम बात करें महिलाओं के लिए रोजगार की तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने भारत में लगभग छियासी छियालीस मिलियन महिलाओं को संगठित किया है उनकी आय को इंक्रीज किया है जिसके कारण से जो लैंगिक समानता में वृद्धि हुई है और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है साथ ही साथ ये रोजगार के वैकल्पिक स्त्रोतों को प्रदान करता है उसमें सहायता करता है अगर हम बात करें जो माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको ये सहायता प्रदान करता है जिससे जो लोग कृषि पर निर्भर हैं उसकी कृषि पर निर्भरता जो कि अभी बर्डन में है तो उस निर्भरता को कम किया जाता है इसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत व्यवसाय हैं जैसे सिलाई करना या किराना स्टोर आदि के लिए ये फंड प्रोवाइड कराते हैं उनको इससे संबंधित नॉलेज वे प्रोवाइड कराते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अगर हम बात करें ये प्रशिक्षण में भी काफ़ी भूमिका देते हैं अगर हम बात करें मानव पूंजी में वृद्धि करते हैं जो ह्यूमन कैपिटल में ये वृद्धि करने का प्रयास करते हैं जिसमें एक एग्जाम्पल है जो रोजगार महिला संघ जिसको हम सेवा के नाम से जानते हैं जो इला भट्ट हैं उन्होंने इस महिला संघ का निर्माण किया था इसके अलावा कुटुम्ब्री आदि जो कार्यशालाओं आदि के माध्यम से ये वर्कशॉप आयोजित करते हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने का काम करते हैं ग्रामीण महिलाओं को अवसर प्रदान करने का काम करते हैं जिससे कि उस समाज का सामुदायिक विकास सुनिश्चित हो सके इसके अलावा ये कौशल विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो विभिन्न जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं सूक्ष्म उद्यमों के रूप में जैसे कि आपका कोई अचार बनाना हो गया अगरबत्ती बनाना हो गया या पापड़ बनाना हो गया लिज्जत पापड़ का आपने नाम सुना होगा शहद बाग जो फूड प्रोसेसिंग है मसाला उत्पादन है इस तरीके का उनको स्किल डेवलप करते हैं जिससे वे अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर सकें और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो उनको प्रोडक्ट सजेस्ट किए जा रहे हैं वे ग्रामीण लोगों के स्थानीय मांगों के अनुसार उस उत्पादों को तैयार किया जाए इसके अलावा अगर हम बात करें ये उनकी क्षमता निर्माण में भी वृद्धि करते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं अपने सदस्यों को प्रशिक्षण देने के माध्यम से उनको जोखिम उठाने में मदद करते हैं और जो समस्याओं को समझने साथ ही साथ उससे संबंधित अगर उनको कोई समाधान चाहिए तो उनको समाधान भी वे प्रस्तुत कराते हैं और नए उद्यमों को स्थापित करने में भी एक वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे वे ग्राम स्तर पर एक क्षमता का निर्माण करते हैं उन लोगों के लिए अगर हम बात करें ये सामाजिक लामबंदी की में भी इनकी एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामाजिक रूप से अगर हम बात करें तो ये उन लोगों का सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जीवन के लोकतांत्रिक आर्थिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो प्रतिभागी हैं जो निर्णय क्षमताएँ हैं और जो लाभार्थियों के रूप में महिलाओं की स्थिति में इन्होंने समानता लाने का प्रयास किया है इसके अलावा जो सशक्त जो महिलाएं हैं ग्राम सभा जो इसमें जो सशक्तिकरण जिन महिलाओं का हुआ है आर्थिक रूप से जो समृद्ध हुई हैं महिला तो वह सशक्त जो महिलाएं हैं ग्राम सभा एवं चुनावों में अत्यधिक सक्रिय भागीदारी उनकी देखने को मिलती है इसके अलावा जो सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेवेंटी थर्ड हम स्पेसिफिक रूप से बात करें तो इस अमेंडमेंट के द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में तैतीस परसेंट मिनिमम आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है तो इन महिलाओं की जो आर्थिक रूप से समृद्ध हुई है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तो उनकी जो राजनीतिक रूप से सक्रियता देखने को मिलती है इसके अलावा सामाजिक मुद्दों से संबंधित जागरूकता पैदा करने में भी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप संलग्न हैं अगर हम बात करें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वे बाल विवाह अब बाल विवाह से संबंधित क्या उसमें स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं असुरक्षित जो यौन संबंध और जो कि सैनिटरी पैड की जो समस्या है ग्रामीण लेवल पर तो उस जैसी समस्याओं को ये एड्रेस करने का प्रयास करते हैं ग्रामीण लेवल पर और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ग्रामीण लोगों को वयस्क शिक्षा प्राप्त करा करने की कोशिश करते हैं एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं जिससे कि वे सुरक्षित यौन व्यवहार के बारे में जान सकें इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य लामबंदी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अगर आप स्वास्थ्य मंत्रालय की जो विभिन्न योजनाएं इन लोगों के लिए चल रही है अभी प्रेजेंट में तो उन योजनाओं के बारे में इनको अवेयर कराते हैं क्योंकि यह देखा गया है कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर टीबी पोलियो एड्स और जिस तरीके के जो बीमारियां हैं वे काफ़ी देखने को मिलती है तो ज़रूरत है कि जो योजनाएं इनके लिए चल रही हैं जैसे कि टीबी के लिए डॉट्स प्रोग्राम चल रही है तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं वे उनको उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में उनको अवेयर किया जाए तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इस तरीके के कार्य करते हैं इसके अलावा वित्तीय अनुशासन और समावेशन में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जिसमें ये प्रोत्साहित करते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो सदस्य हैं वह बैंकों में जो उनकी बचत हो रही है महीने में तो उसको जमा कराएं जिससे कि एक वित्तीय समावेशन बढ़ता है और ये जो पैसा है वह उनका जो शिक्षा और जो स्वास्थ्य संबंधी जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उसमें भी यूज किया जा सकता है जिससे कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जीवन स्तर में वृद्धि होती है तो यह हमने बात की सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो भूमिका रही है विकास में ग्रामीण विकास में लेकिन इससे संबंधित कुछ चुनौतियाँ भी हैं क्योंकि इनके जो उत्पाद हैं जो ग्रामीण क्षेत्र पर जो उत्पाद हैं उनके लिए एक स्थायी बाजारों की कमी है और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र पर बैंकिंग सुविधाओं की भी कमी देखने को मिलती है साथ ही साथ ये जो कुछ जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं जो इनकी जो स्किल्स हैं तो भाई उनको पास एक परंपरागत कौशल पर आधारित स्किल्स हैं तो जो आज उनकी जो मांग नहीं होती उन प्रोडक्ट्स की तो इसके कारण से ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो वित्तीय एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी इनको देखने को मिलती है अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की तो सरकार द्वारा इन चुनौतियों को दूर करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं महिला स्वयं सहायता समूह विकास कोष बनाया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप का डिजिटलीकरण किया गया है ई शक्ति आदि जैसे कदम सरकार के द्वारा इन चुनौतियों को दूर करने के लिए उठाए गए हैं अगर हम बात करें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर भारत में सशक्तिकरण व विकास के इंजन के रूप में कार्य कर रहे हैं और आगे भी इस तरीके के कार्य करते रहें इसके लिए उनकी जो चुनौतियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए साथ ही साथ ये विकास हेतु तो जो सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से न केवल व्यक्तियों को बल्कि परिवार और जो समुदाय को भी लाभान्वित कर रहे हैं जो कि अल्टीमेट रूप से इंडिया की ग्रोथ को सुनिश्चित कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर टू के गवर्नेंस खंड से चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर फोर के ये आपके एथिक्स खंड से है और इसको आप जीएस पेपर टू के गवर्नेंस खंड से भी इसको लिंक कर सकते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संदर्भ में नोलन समिति द्वारा सुझाए गए सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांतों की प्रासंगिकता को उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए तो इस क्वेश्चन में आपको जो यूके की जो नोलन समिति थी उसके बारे में जो उसने सात सिद्धांतों को सुझाया था तो उनके बारे में आपको बताना है तो सबसे सब पहले हम इसके जो परिचय की बात करें इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सार्वजनिक जीवन में मानकों पर एक समिति बनी थी 1994 में यूके में जिसके जो अध्यक्ष थे लॉर्ड नोलन थे इस समिति ने सार्वजनिक जीवन में व्यवहार के मानकों के सुधार करने के लिए सात सिद्धांतों को बताया अगर हम बात करें इन सात सिद्धांतों की तो नोलन समिति ने ये सात सिद्धांत बताए जिसमें निःस्वार्थ था जिसमें सेल्फलेसनेस सत्यनिष्ठा यानी कि इंटीग्रिटी वस्तुनिष्ठा यानी कि ऑब्जेक्टिविटी जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी एंड खुलापन यानी कि ओपननेस और ईमानदारी यानी कि होनेस्टी और नेतृत्व यानी कि लीडरशिप के बारे में इनने सात सिद्धांत इसके अंतर्गत दिए जो कि सार्वजनिक जीवन में अपनाए जाने चाहिए इसको हम इसकी एक निमोनिक से हमको याद कर सकते हैं ऐसे आपका सेल्फलेसनेस ओ से आपका ओपननेस ऐसे आपके हॉनेस्टी ऐसे आपका अकाउंटबिलिटी ऐसे आपकी ऑब्जेक्टिविटी से आपका लीडरशिप एंड आई से आपकी इंटीग्रिटी इसके रूप में आप इसको याद कर सकते हैं सोहा ओली यानी कि आप जो सोहा अली खान हैं उसको सोहा ओली के नाम से इसमें आप ध्यान रख सकते हैं अगर हम बात करें इनकी वन बाई वन हम देखते हैं और उससे संबंधित एक एग्जाम्पल भी देखने की कोशिश करते हैं अगर हम बात करें इसके अंतर्गत निस्वार्थता की तो अपने स्वार्थ के परे रहकर जनहित में कार्य करना चाहिए यह एक कोई सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति है कोई सिविल सेवक है तो उसके लिए एक आवश्यक है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आबादी का एक बड़ा भाग वर्ग वंचित है और अगर हम अपने स्वार्थ से किससे संचालित होंगे तो उन जो वंचित वर्ग है उनका हम जो कल्याणकारी जो कार्य सरकार की द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की तो श्री हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने बैंक से ऋण लेकर जबकि वह प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे उन्होंने लेकिन बैंक से ऋण लेकर अपनी कार को खरीदा लेकिन आजकल तो एक लोकल लेवल पर अगर हम पार्षद की भी बात कर लें तो इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिलती इसके अलावा अगर हम बात करें सत्यनिष्ठा के बारे में इंटीग्रिटी के बारे में तो लोक पदाधिकारियों को केवल जनहित में कार्य करना चाहिए उन्हें किसी भारी व्यक्ति या संगठनों के किसी भी वित्तीय या कोई अन्य दायित्वों के अधीन कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वे अन्य किसी वित्तीय या अन्य दायित्वों के अधीन काम करेंगे तो उससे उनके जो भ्रष्टाचार से लड़ना और जो उनकी तटस्थता और जो निष्पक्षता है वह उसको बनाने में काफ़ी मुश्किल आएगी इसके लिए जो सत्यनिष्ठा है वह एक सिविल सेवक का एक महत्वपूर्ण मूल्य है एक महत्वपूर्ण गुण है इस मूल्य को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि आपको कोई देख नहीं रहा और अगर आप कोई अनैतिक कार्य करते हैं तो उसको पकड़े जाने की भी संभावना काफी कम है तो इन चीजों के होते हुए भी आप नैतिक कार्य करते हैं तो ये आपकी एक सत्यनिष्ठा को बताता है अगर हम बात करें टी एन सर की तो उन्होंने जो तात्कालीन जो राजनीतिक दलों के लगातार दबाव के बावजूद जो आदर्श आचार संहिता थी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था उस सहायता को लागू करने के लिए अपनी सत्य निष्ठा को उन्होंने दर्शाया तो ये जो वैल्यू है एक सिविल सेवक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैल्यू है अगर हम बात करें निष्पक्षता की तो ये जो लोक उत्तरदायित्व के निर्वहन में जिनमें सार्वजनिक नियुक्तियाँ करनी पड़ती है कभी साथ ही साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं निविदा प्रदान करना या किसी को पुरस्कार प्रदान करना किसी व्यक्ति को लाभ प्रदान करना या उसकी सिफारिश करना इसके अंतर्गत शामिल होती है लोक उत्तरदायित्व के निर्वहन में तो इसके लिए होना चाहिए कि उस व्यक्ति को निष्पक्ष होना चाहिए और उसको जो इनको चूज करना है इनको जो इससे संबंधित जो सिफारिश करना है वे वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर होना चाहिए उसमें भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म उसके अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए इसको आप ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता भी इसके को कहा जा सकता है अगर हम बात करें इसकी जवाबदेही की अकाउंटेबिलिटी की तो जो लोक पदाधिकारी है अपने जो निर्णय एवं कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं इसके लिए इन्हें अपने पद से संबंधित उपयुक्त जांच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए ये सुनिश्चित करना कि जो एक सिविल सेवक है वह स्वामी की तरह व्यवहार ना करे, बल्कि एक सिविल सेवक की तरह वह जनता की सेवा करे भारत में अगर नीति निर्माताओं की बात करें तो जो भारत में नीति निर्माताओं के प्रति सिविल सेवक जवाबदेह होते हैं और जो नीति निर्माता हैं जो हमारे विधायक हैं जो सांसदगण हैं ये जो निर्वाचन के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं तो अल्टीमेट रूप से जो सिविल सेवक होते हैं वे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं अगर हम बात करें ओपननेस की इसमें खुलापन होना चाहिए निर्णयों के प्रति खुलापन होना चाहिए इस तरीके से वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर निर्णय लिए जाने चाहिए कि उसको जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सके कि वह इन मानदंडों के आधार पर वह इस निर्णय पर पहुंचा है कोई सिविल सेवक उन्हें अपने निर्णयों के कारणों को बताना चाहिए सूचना को तभी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जब सूचना देने से व्यापक जन जन हानि होने का खतरा हो या सूचना ना देना एक व्यापक जनहित में हो इससे भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे अच्छा आपका प्रिवेंशन या निवारक माना जाता है अगर हम बात करें आरटीआई एक्ट 2005 के माध्यम से भारतीय प्रशासन में खुलापन सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति इसके अंतर्गत की गई अगर हम बात करें चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की तो एक सा, एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कि आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत इसको निर्धारित किया गया है इसके अंतर्गत एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और जो अन्य जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वे दस से ज्यादा नहीं हो सकते इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ईमानदारी यानी कि होनेस्टी की यदि किसी पदाधिकारी के सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने में ही कोई भी अगर निजी हित जुड़ा है तो वे इसकी घोषणा करें जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में जानते हैं अगर उस तरीके का इस तरीके का उनका कॉन्फ्लिक्ट आता है इंटरेस्ट के बीच में तो वे उसकी घोषणा करें तुरंत प्रभाव से और उसे उत्पन्न होने वाले किसी भी टकराव को हल करने के लिए कदम उठाए ताकि लोकहित की रक्षा की जा सके अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की तो यू संगयम एक आई ऑफिसर थे जब तमिलनाडु के एक जिला कलेक्टर थे तब उन्होंने वेबसाइट के ऊपर अपनी संपत्ति का विवरण जिला वेबसाइट पर अपलोड किया तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी सिविल सेवक के लिए तो ये ईमानदार एक महत्वपूर्ण वैल्यू है एक सिविल सेवक के लिए अगर हम बात करें नेतृत्व की लीडरशिप की तो लोक अधिकारियों को अन लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है तो इसलिए उनके अंतर्गत एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उन्हें स्वयं एक उदाहरण बनके जो स्थापित करना चाहिए समाज के अंतर्गत कि समाज भी इस तरीके के पाथ पर आगे बढ़े अगर हम बात करें कोविड 19 की महामारी के दौरान तो ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर में एक नगर निगम आयुक्त थी श्री जना जो कि उस समय उन वो उनटी लीव ले सकती थी लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा और एक समाज में एक मैसेज दिया एक लीडरशिप क्वालिटी के रूप में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नोलन समिति से संबंधित जिसको आप शोर्टिक से याद कर सकते हैं सोहा ओली सोहा अली खान है उनको सोहा ओली के नाम से आप इसको ध्यान रख सकते हैं तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर फोर के खंड से इसी तरीके के सेशन हम हाँ आपके बीच में लाते रहेंगे साथ ही साथ इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जी एस एकेडमी थैंक यू